हिमाचल प्रदेश में बरसात में भारी नुकसान हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। बीते दिन किन्नौर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। किन्नौर जिला के चांगो क्षेत्र में बादल फटने से पुल और सेब के बगीचों को काफी क्षति पहुंची है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर किन्नौर जिला प्रशासन को राहत कार्य जल्दी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही प्रभावितों को हर संभव सहायता देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राहत कार्य हेतु किन्नौर प्रशासन को निर्देश दिए हैं और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर राहत कार्य में जुट चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बरसात के मौसम में बादल फटने के साथ साथ लैंडस्लाइड होने की घटनाएं होती है, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो रही है। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग को समय रहते सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि बरसात के चलते नदी नालों एवं भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के समीप ना जाए, अनावश्यक यात्रा से बचे और सरकार एवं प्रशासन का सहयोग करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश सरकार ने पहले ही सभी जिला उपायुक्तों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमको सारी डिटेल्स उसकी, अभी तक जानकारी तक ही प्राप्त हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसकी डिटेल्स हम मालूम करेंगे। देखिए, इस सिलसिले में बरसात शुरू होने से पहले ही हमने अधिकारियों के साथ बैठक कर ली थी और उसके पश्चात हमारे डिप्टी कमिश्नर के साथ भी दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई है। सबको अलर्ट पे रखा है और खासतौर से जो हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ हमारा जल शक्ति मंत्रालय, सभी महकमों को ये आदेश दिए गए हैं जहां भी बारिश के कारण कोई क्षति होती है, सड़क टूटती है, तो उसको रिस्टोर करना जल्दी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि सेब का सीजन भी हमारा शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ में जो सावधानी बरतने की ज़रूरत है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि टूरिस्ट भी आता है और कई जगह इस प्रकार की घटना जब घटित होती है तो उसमें जानमाल का भी नुकसान होता है। तो स्वाभाविक रूप से जो अलर्ट जारी किया गया है वो हमारे ध्यान में और लोगों के ध्यान में भी उसको लाने की हम कोशिश कर रहे हैं।